पीछे देख रहे हो ना, अब तुम्हें बैठा लो यार बाबा भैया, तुम पकड़ लो, पकड़ लो, पीछे बैठा देख लेना पिया। पहला खड़ा संतोषपुरा के लोगों सुखी राम जी के दरवाजे पर आज हमारा सातवां रोल था। इनके बेटा संजय नरेंद्र जो भगवान की पावन कथा करवाई, संजय भैया ने यहाँ पर पावन कथा करवाई है। जब से आए इनके दरवाजे पर हम सब के दिल भूल गए, जो कथा में भ्रम लग रहा है आप लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बंदर सिंह साधु से ज्यादा कोई रुक नहीं पाता। हम छाया बनकर ही रहते भैया मजबूरी है, और मेरी भागवत है के लोगों, गांव के लोगों, नौजवान भाई, आप लोगों को हम कैसे बधाई दें। आप तो आप ही हो भैया, सच पूछो तो हम ही, हर तरह आप हमसे अगर हम आप सब विद कमई, माताओं बहनाओं, हो सकता साथ के अंदर मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो मुझे ब्यास जी पर नहीं कहना चाहिए। अपना बेटा समझ, अपना भैया समझ, मुझे माफ कर देना। भूल भाई हो तापे ध्यान रखी जो सात रोज में, भूल भाई हो तापे ध्यान रखी जो भाई बहने मिलकर के पागल की नमस्ते लीजो। कथा में ब्राह्म लग रहा है, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा,
कि साधन यही नहीं मालूम पड़े कि घर से निकल कर आज यहां से चले जाइए और चले तो अब हम जाइए हम कुछ मरा में बैठ के सोचेंगे जाने अब कब मेरे बेटा जो अरे
आई भारी धन धन यदि तीर तुम्हारी मेहमान जल से न्यारी पहला तो पूरा संतोष पूरा की जन्म भूमि तोय करियो मुझे सुनमस्ते आगे यहां से जा रहे हैं हम रोते और सिसकते बहनों तुमने मुझे माफ करना मैं तुम्हारे ऊपर बीच बीच में कटाक्ष करते रहे बीच बीच में पहनाओ मैंने तुम्हें फटकार लगाई मेरे जाने के बाद मती कहियो जू भैया नाय कसाई जाने के बाद मती कहियो जे भैया नाय कसाई उठ करके भगवान की आरती लीजो आज भगवान की अंतिम कथा है लोगों